हेलो गाइज, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। गाइज, आज की वीडियो में बात करेंगे टीवीएस के न्यूली लॉन्च अपाची 200 4V स्पेशल एडिशन एंड बजाज की पल्सर NS 200 BSX के बारे में, और इन दोनों बाइक की प्राइस और स्पेसिफिकेशन कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों बाइक में से बेस्ट बाइक कौन सा है और आपको कौन सा बाइक खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, अब में से जो कोई भी अगर इन दोनों बाइक में से किसी भी एक बाइक को खरीदना चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए बेस्ट बाइक कौन सा होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कलर ऑप्शन से। तो पल्सर NS 200 इस बाइक के अंदर आपको चार कलर ऑप्शन मिलेगा, जो प्यूटर ग्रे, बॉन्ड रेड, सैटिन ब्लू और चौथा कलर ऑप्शन है मेटालिक पर्ल व्हाइट। और दूसरी तरफ अपाची 200 4V की बात करें तो नॉर्मली इस बाइक के अंदर आपको दो कलर ऑप्शन मिलता है, एक है पर्ल व्हाइट और दूसरा है ग्लॉस ब्लैक। और स्पेशल एडिशन के अंदर आपको एक न्यू कलर ऑप्शन मिलेगा, जो है मैट ब्लू। और दोस्तों, मुझे पर्सनली इस स्पेशल एडिशन में जो कलर है उसके साथ ही पल्सर NS 200 के अंदर जो सैटिन ब्लू कलर ऑप्शन मिलता है वो मुझे जबरदस्त लगता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतने सारे कलर ऑप्शन में से आपका पसंदीदा कलर ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों, कलर ऑप्शन की बात बाइक की हार्ट मतलब इंजन की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर DTSI लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और दूसरी तरफ अपाची 200 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा 197.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। तो दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों बाइक के अंदर आपको इंजन एक जैसा ही मिलता है, लेकिन इंजन के अंदर एक जो चेंज है वो है अपाची के अंदर आपको मिलता है ऑयल कूलिंग की सिस्टम, लेकिन पल्सर के अंदर आपको मिलता है लिक्विड कूलिंग की सिस्टम। मतलब कूलिंग के मामले में थोड़ा बेहतर है पल्सर NS 200। पावर फिगर की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक के अंदर आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा 24.5 ब्रेक हॉर्स पावर की 9750 RPM के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा 18.5 न्यूटन मीटर की 8000 RPM के साथ। और दूसरी तरफ अपाची 200 की बात करें तो ये बाइक मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 20.5 ब्रेक हॉर्स पावर की 8500 RPM के साथ, और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलेगा 16.8 न्यूटन मीटर की 7500 RPM के साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि पावर एंड टॉर्क दोनों ही आपको ज्यादा मिलता है पल्सर NS 200 के अंदर। दोस्तों, पावर फिगर के साथ साथ मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बजाज पल्सर NS 200 BS6 इस बाइक के अंदर आपको टॉप स्पीड मिलेगा अराउंड 136 किमी पर आवर की। और दूसरी तरफ टीवीएस अपाची 200 4V BS6 की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस बाइक के अंदर आपको टॉप स्पीड मिलेगा अराउंड 127 किमी पर आवर की। तो दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हो कि टॉप स्पीड आपको ज्यादा मिलेगा पल्सर NS 200 के अंदर। दोस्तों, ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 300mm का डिस्क ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ, और ये साइड में आपको मिलेगा 230mm का डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। और ABS की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा सिर्फ सिंगल जेल ABS की सपोर्ट। और दूसरी तरफ अपाची 200 4V की बात करें तो इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 270mm का डिस्क ट्विन पिस्टन कैलिपर के साथ, और रियर साइड में आपको मिलेगा 240mm का डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। और ABS की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको दो तरह के ABS देखने को मिलेगा, जिनमें एक है सिंगल चैनल ABS और दूसरा है डुअल चैनल ABS, लेकिन जो स्पेशल एडिशन है उसके अंदर आपको मिलेगा डुअल चैनल ABS। मतलब ABS के मामले में थोड़ा आगे है अपाची 200 4V। दोस्तों, माइलेज की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि पल्सर NS 200 BS6 इस बाइक के अंदर आपको माइलेज मिलेगा अराउंड 35 किमी पर लीटर की। और दूसरी तरफ टीवीएस अपाची 200 4V की बात करें तो जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस बाइक के अंदर आपको माइलेज मिलेगा अराउंड 40 किमी पर लीटर की। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि माइलेज आपको ज्यादा मिल सकता है अपाची 200 4V के अंदर। दोस्तों, सस्पेंशन सिस्टम की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक फोर्क, और ये साइड में आपको मिलेगा गैस चार्ज मोनोशॉक। और दूसरी तरफ अपाची 200 की बात करें तो नॉर्मली इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोर्क, और ये साइड में आपको मिलेगा मोनोशॉक सस्पेंशन। लेकिन दोस्तों, स्पेशल एडिशन के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज है कि इस बाइक की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा एडजस्टेबल सस्पेंशन, जो है प्रीमियम सोआ विद पीलोड एडजस्टमेंट के साथ। मतलब सस्पेंशन के मामले में
स्पेशल एडिशन थोड़ा आगे है पल्सर NS 200 के मुकाबले। दोस्तों टायरन हुल्स की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक की फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर, उसके साथ आपको मिलेगा एलॉय हुल्स। और साइज की बात करें तो फ्रंट टायर का साइज है 100/80 और रियर टायर का साइज है 130/70। और दूसरी तरफ अपाचे 200 4V की बात करें तो इस बाइक के अंदर भी आपको फ्रंट और रियर दोनों साइड में आपको मिलेगा एलॉय हुल्स, उसके साथ आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर। और साइज की बात करें तो फ्रंट टायर का साइज है 90/90 और रियर टायर का साइज है 130/70। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि टायर साइज दोनों बाइक में आपको अलग अलग मिलता है। दोस्तों सीट हाइट एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक की सीट हाइट है 805 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 168 mm का। और दूसरी तरफ अपाचे 200 4V की बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट है 800 mm का और ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा 180 mm का। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि सीट हाइट आपको ज्यादा मिलता है पल्सर NS 200 के अंदर, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो जो आपको ज्यादा मिलेगा अपाचे 200 4V के अंदर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा पल्सर NS 200, लेकिन अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा अपाचे 200 4V। और इसके साथ ही वेट की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक की वेट है 156 kg और दूसरी तरफ अपाचे 200 4V की बात करें तो इस बाइक की वेट है 153 kg, मतलब वेट के मामले में थोड़ा हल्का है अपाचे 200 4V। और दोस्तों इसके बाद एडिशनल फीचर्स की बात करें तो पल्सर NS 200 इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा हैलोजन हेडलैम्प, और दूसरी तरफ अपाचे 200 4V की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा LED हेडलैम्प। इसके अलावा पल्सर NS 200 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा LED टेल लैम्प, पायलट लैम्प, LED इंडिकेटर, सेमी डीजल कंसोल। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस बाइक के अंदर अभी भी आपको मिलता है डीजल प्लस एनालॉग कंसोल, उसके साथ आपको मिलेगा 2 लीटर फ्यूल टैंक, क्लिप ऑन हैंडल बार, 5 स्पीड गियर बॉक्स। और दूसरी तरफ अपाचे 200 की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा LED टेल लैम्प, LED इंडिकेटर, पायलट लैम्प, डिजिटल कंसोल, 12 लीटर फ्यूल टैंक, क्रैश अलर्ट, ट्विन बेल एग्जॉस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ, उसके साथ आपको मिलेगा TBS की एक्सनेट की सपोर्ट, इसके साथ ही आपको मिलेगा 5 स्पीड गियर बॉक्स। और दोस्तों पल्सर NS 200 के मुकाबले अपाचे 200 के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर्स मिलेगा वो है 3 राइड मोड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस बाइक की स्पेशल एडिशन के अंदर आपको मिलेगा 3 राइड मोड जो स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन। इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा एडजस्टेबल लीवर जो आपको नहीं मिलेगा पल्सर NS 200 के अंदर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एडिशनल फीचर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है अपाचे 200 4V। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है प्राइसिंग। तो बजाज पल्सर NS 200 BS6 इस बाइक के अंदर आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा जिसका प्राइस है 1,31,200 रुपीज एक शोरूम। और दूसरी तरफ अपाचे 200 4V की बात करें तो नॉर्मली इस बाइक के अंदर आपको 2 वेरिएंट मिलता था जिनमें सिंगल चैनल एबीएस की प्राइस था 1,23,500 रुपीज एक शोरूम एंड डुअल चैनल एबीएस की जो प्राइस है वही 1,28,550 रुपीज, लेकिन स्पेशल एडिशन की जो प्राइस है वही 1,31,000 रुपीज एक शोरूम। मतलब स्पेशल एडिशन की प्राइस और पल्सर NS 200 की प्राइस दोनों बाइक का एक जैसा ही है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर अगर आपको ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क, उसके साथ ही ज्यादा टॉप स्पीड चाहिए और आपके लिए मैटर करता है लिक्विड कूलिंग की सिस्टम, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है पल्सर NS 200। लेकिन दोस्तों मुझे पर्सनली आप सभी से एक बात कहना है कि अगर आपको ठीक ठाक पावर, टॉर्क, उसके साथ ही ज्यादा माइलेज और दोस्तों अगर आपको ज्यादा एडिशनल फीचर्स चाहिए जैसे LED हेड लैम्प, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एडजस्टेबल लीवर, एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम, उसके साथ ही राइड मोड जैसे स्पोर्ट, अर्बन एंड रेन, ये सब राइड मोड चाहिए, तो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन होगा अपाचे 200 4V। हाँ मैं मानता हूँ इस बाइक के अंदर आपको पावर, टॉर्क और टॉप स्पीड आपको कम मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसके अलावा, मतलब पावर, टॉर्क और टॉप स्पीड के अलावा बाकी जो फीचर्स है वो आपको ज्यादा मिलता है अपाचे 200 4V के अंदर। और दोस्तों इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो पल्सर NS 200 के अंदर आपको मिलेगा एक ही वेरिएंट जिसके अंदर आपको मिलता है सिंगल चैन ABS। लेकिन दोस्तों अगर आप अपाचे 200 4V स्पेशल एडिशन खरीदते हो तो इस बाइक के अंदर आपको मिलेगा डुअल चैन ABS। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप पावर एंड टॉर्क को छोड़ के ज्यादा फीचर्स की तरफ जाएंगे तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा अपाचे 200 4V। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए पावर एंड टॉर्क की सब कुछ है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा पल्सर NS 200। तो दोस्तों लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि आप अपनी नीड एंड चॉइस के हिसाब से इन दोनों बाइक में से किसी भी एक बाइक को खरीद सकते हो,
लेकिन मैं पर्सनली आप सभी से रेकमेंड करूंगा टीवीएस के अपाची 204B स्पेशल एडिशन। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों बाइक में से आपका पसंदीदा बाइक कौन सा है और क्यों है, मतलब उसके बारे में एक कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों ये था बजाज की पल्सर एस 200 BS6 एंड टीवीएस की अपाची 204 BS6 स्पेशल एडिशन के बीच एक छोटा सा कंपैरिजन। आपको क्या लगता है इन दोनों बाइक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और उसके साथ ये भी बताना कि अगर आपके पास इतना पैसे है तो आप इन दोनों बाइक में से कौन सा बाइक खरीदेंगे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको इन दोनों बाइक के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। इसके लिए हमारे जो फेसबुक पेज है और आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम में भी कह सकते हो, और दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।